हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 8, सब्जेक्ट इज जीके। जीके का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम इज़ कंट्रीज विद न्यू नेम। यहाँ पर आपको कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं जो पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब इनको नए नामों से जाना जाता है। तो आपको पुराने नाम दिए गए हैं, ओल्ड नेम दिए गए हैं, आपको इनके न्यू नेम, नए नाम बताने हैं। तो आप इनको लर्न भी करेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे भी। ये आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे, जिसमें से आप अपनी नोटबुक में करेंगे और आप इनको लर्न भी करेंगे। सबको याद होने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर आपको देशों के पुराने नाम दिए गए हैं और आपको इनके देशों के नए नाम बताने हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे चैप्टर। फर्स्ट इज मेसोपोटामिया। तो जो मेसोपोटामिया है वो पुराना नाम है, नया नाम क्या है? अब इसको ईरान, इराक के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर है इराक। सेकंड इज सियाम। सियाम जो है पहले बोला जाता था, पहले नाम था इस देश का, अब जो है इस देश का नाम हो गया थाईलैंड। क्या नाम हो गया? थाईलैंड। थाईलैंड को पहले सियाम बोला जाता था। थर्ड इज बर्मा। बर्मा जो है अब नाम चेंज होके क्या हो गया? म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। फोर्थ इज अफगान। नाउ न्यू नेम इज़ अफगानिस्तान। क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान इसको बोला जाता है। फिफ्थ इज बेलोरूसा, तो अब इसको बेलारूस बोलते हैं। सिक्स इज जैरी। जैरी को कोंगो, अब इसको नाम कोंगो कर दिया गया है। सेवन्थ इज गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट को घाना कहा जाता है अब। एट इज सदर्न रोडेशिया। सदर्न रोडेशिया को जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं, पुराना नाम सदर्न रोडेशिया था, नाउ इट इज़ नोन एज जिम्बाब्वे। नाइन्थ इज पर्शिया। पर्शिया को ईरान बोलते हैं, पर्शिया इसका पहला नाम था, ईरान इसको अब कर दिया गया, ईरान के नाम से जाना जाता है। टेंथ इज सियलोन। सियलोन को श्रीलंका बोला जाता है अब। इलेवंथ इज मलाया। मलाया को मलेशिया बोला जाता है। ट्वेल्थ इज ब्रिटिश गुआनिया। ब्रिटिश गुआनिया को गुआना बोला जाता है। वेस्ट इंडीज़ में ये छोटे छोटे द्वीप हैं, वेस्ट इंडीज़ जो है वो बहुत सारे द्वीप से मिलकर बना, तो गुआना उसमें एक द्वीप है वेस्ट इंडीज़ का, और इसको पहले ब्रिटिश गुआना बोला जाता है, अब गुआना बोला जाता है। बेसुटोलैंड। बेसुटोलैंड को लिसोथो कहा जाता है। अपर वोल्टा। अपर वोल्टा को बुर्किना फासो बोला जाता है। डच गुआना को सुरीनेम बोला जाता है। न्यासालैंड को मलावी बोला जाता है। एंड डहोमे को बेनिन के नाम से अब जाना जाता है। तो ये आपको कुछ ओल्ड नेम दिए गए थे, ये आपको नए नाम आपको बताने दें। ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे इसे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।